ब्रेक के पहले हमने जो भी देखा था उससे आगे चालू करते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के बारे में और थोड़ा देखेंगे इसको। तो इसमें हमने ये C++ प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बताया था कि इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह वगैरह। ये इन सब लाइंस का मतलब क्या है हमें मालूम नहीं है पूरा, लेकिन ये एक हिदायत देने का तरीका है डम्बो को कि ऐसा लिखेंगे तो उसको समझ में आ जाता है क्या करना। अपना जो मुख्य कारोबार है जो है, जो अपन एल्गोरिथम, जो अपन प्रोग्राम लिखेंगे वो इसके और इसके बीच में लिखा जाए। और ये रिटर्न जीरो, जैसे पूछा क्यों जीरो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जीरो का मतलब है। बाकी अपन जब फंक्शन लिखेंगे जो अब देखेंगे अगले लेक्चर के डिस्कशन में, तो उस समय हम रिटर्न कुछ अलग कर सकते हैं। तो ये C++ में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमने देखा कि नंबर लिखे जा सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर लिख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं लोगों के डबल कोटेशन के बीच में, इस तरह के स्पेशल सिंबल लिख सकते हैं, ये \n। और \n का दूसरा रूप क्या है अभी आपने देखा था, एंड। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इस तरह से हम लिखेंगे, लेकिन वो अंदर जो डम्बो स्टोर करेगा वो अपने तरीके से करेगा, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो भी करना है उसको करेगा वो। और वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डम्बो के लिए इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इस चार तरह की होती है। और जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं उनको वेरिएबल्स बोला जाता है फॉर्मली कंप्यूटर की भाषा में। जो स्टेटमेंट्स होते हैं C++ में, इसमें अपन ने तीन तरह के एक्शन देखे अभी तक। एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट के ये रूप होते हैं, ये सब आपको मालूम है। राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है उस वेरिएबल में उस दराज खोल के वो डम्बो उसमें वैल्यू डाल देगा। ये जो असाइनमेंट है ये खास रूप से आवश्यक है समझना कि इसमें ये m=m लिखा है तो ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है। m के दराज में जो भी वैल्यू होगी वो डम्बो लेगा, उसको लेके इसको कैलकुलेट करेगा, और जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो फिर m के ही दराज में रख देगा। तो इसलिए पहले की जो वैल्यू होगी m की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी जगह नई वैल्यू आ जाएगी। या नहीं, ये इसमें हमेशा असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखने का केवल एक तरीका है कि जब असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पूरा भूल ही जाइए, जो भी एक्सप्रेशन लिखना है वो राइट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखा जाएगा। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है डम्बो के लिए। और इंस्ट्रक्शन लेने का तरीका यह है कि राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल का नाम होगा। सो लेट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही इज मेकिंग, सो लेट मी एक्सप्लेन। ये जो स्टेटमेंट जो लिखा जाता है इंस्ट्रक्शन, वो इस तरीके से लिखा जाता है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल का नाम होगा जिसमें हमें फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू रखना है, और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन इक्वल टू वेरिएबल, ये गलत है, ये डम्बू को समझेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, वो डम्बू क्या करता है कि पहले तो इस चीज को देखता ही नहीं है, वो इसको देखता है खाली। इस एक्सप्रेशन में जो भी लिखा है हमने a+b लिखा है, तो वो इस एक्सप्रेशन को लेके a+b कैलकुलेट करेगा। वो कैलकुलेट करके कोई वैल्यू आ गई उसकी, मान लीजिए 17.4 कुछ वैल्यू आ गई, ये वैल्यू वो कैलकुलेट करके निकाल देगा। इस एक्सप्रेशन की एक ही वैल्यू आना चाहिए अंत में, उसी का असाइनमेंट जो करेगा वो एक वैल्यू का हो। अब इतना करने के बाद में वो इसे देखेगा यहां क्या लिखा है, var इक्वल टू लिखा है। अब इस समय वो एक्सप्रेशन को भूल जाएगा, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट इस तरीके था। अब वो इस समय में एक्सप्रेशन भूल जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू उसने कैलकुलेट करके रख ली है 17.4। अब वो खाली ये देखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, सम है, अल्फा है, बीटा है, डेल्टा, जो भी है, उस नाम का दराज खोल के उसको ये वैल्यू उसके अंदर रखना है, बस और कुछ नहीं। तो बिल्कुल डम्बो डम्बो तरह काम करता है ये। जब हम पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं वेर इक्वल टू एक्सप्रेशन, शुरू में वो लेफ्ट हैंड साइड देखता ही नहीं है, वो खाली राइट हैंड साइड देखता क्या लिखा। वो एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स होंगी, जो भी फॉर्मूला होगा वो कैलकुलेट करेगा, और वो फॉर्मूले में जो भी टर्म्स आएंगी उसकी वैल्यू दराज में से ले लेके वो उसमें रखेगा, वो कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन किस तरह से करेगा ये भी हमने देखा,
वो प्लस माइनस स्लैश स्टार, तो उसमें प्रायोरिटी होगी। तो अगर ऐसे जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, मान लीजिए एक्स प्लस वाई स्टार जेड, तो इसमें वो वाई स्टार जेड पहले कैलकुलेट करेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है। ये कैलकुलेट करने के बाद में जो उत्तर आएगा उसमें वो एक्स को ऐड करेगा। तो जब भी हम बड़ा एक्सप्रेशन लिखते हैं ये अपने को याद रहे कि पहले कौन सा होने वाला है, पहले कौन सा, बाद में कौन सा होने वाला। अगर हम ये चाहते हैं कि x प्लस वाई पहले ऐड हो और फिर उसमें z से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या करना चाहिए, हमें ब्रैकेट डाल। तो ये जो प्रायोरिटी है डम्बो की बिल्कुल प्रीसेट प्रायोरिटी है, वो बेकल जैसा उतना करता जाएगा उस हिसाब। अगर हमें उसमें ठीक से ख्याल नहीं है ब्रैकेट डाल दें, ज्यादा ब्रैकेट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट डाल दें तो उसको पता चल जाए पहले क्या करना है बाद में क्या करना। लेकिन ये सब करते समय वो लेफ्ट हैंड की तरफ देखता ही नहीं है, वो खाली राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन लेके उसकी वैल्यू निकाल देता है। अब जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू आने के बाद में वो इसको भूल जाता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखता है। अब क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा वेरिएबल एम है, सम है, डेल्टा है, जो भी है, उसको खाली इतना काम है कि ये जो भी वैल्यू आई वो उस दराज में रख देनी। इसलिए इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसीलिए इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं, एम इज इक्वल टू एम प्लस वन, तो इसको अगर आप इक्वेशन समझेंगे तो गड़बड़ है इक्वेशन, ये सही नहीं है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये इक्वेशन, ये हिदायत है डम्बो को, और डम्बो की हिदायत समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने पहले कहा, ये अगर हमने इंस्ट्रक्शन लिखी तो पहले डम्बो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड देखेगा ही नहीं, राइट हैंड साइड में क्या है एम प्लस वन। अब उसके जो दराज है उन दराजों में कहीं तो भी एक दराज है एम नाम का, इस एम नाम के दराज में मान लीजिए वैल्यू रखी है 35, तो खाली वो देखेगा ये एम प्लस वन मुझे कैलकुलेट करना है, एम की वैल्यू 35 है, वो 35 यहां से लेगा, 35 प्लस वन ऐसा कैलकुलेट करेगा, इसकी वैल्यू आ गई 36। यहां तक उसने लेफ्ट हैंड साइड देखी नहीं है, वो राइट हैंड साइड देख के एक्सप्रेशन की वैल्यू एक वैल्यू कैलकुलेट कर दे। अब इसके बाद में राइट हैंड साइड को बंद कर दे क्योंकि उसकी तो वैल्यू आ गई मेरे पास एक, अभी मुझे कुछ लेना देना नहीं क्या लिखा था वहां, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड मुझे ये बताएगी कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट करी है मैंने 36, ये कहां रखना है, ये एम में रखना है, डेल्टा में रखना है, एफ में रखना है, ए में रखना है, कहां रख। तो ये खाली टारगेट लोकेशन बताता है कि ये वैल्यू कहां जाएगी। इसीलिए इस एम को और इस एम को एक नहीं समझना चाहिए, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करने से पहले जो इस दराज में वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन में कैलकुलेशन में यूज की जाएगी। तो एम की वैल्यू अगर 35 है, 35 यूज करके 36 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन करने के बाद में डम्बो इसको पूरा बंद कर देगा, भूल जाएगा इसको, अब खाली लेफ्ट हैंड में देखेगा एम है, एम में 36 रखना। तो क्या करेगा, यही जो दराज है इस दराज में जो ये एम है वहां पे वो पुरानी वैल्यू को मिटा कर 36 लिख देगा। तो ये स्टेटमेंट होने से पहले एम की वैल्यू थी 35, ये स्टेटमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 36। अब ये m की हुई है, m की जगह हम x लिखते हैं, x इज इक्वल टू एम प्लस वन, तो ये m की वैल्यू वो रखता 35, लेकिन जो दूसरा कोई एक दराज है उसके पास x नाम का, उस दराज में वो 36 रख देता। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखते हैं वो टारगेट है, कैलकुलेटेड वैल्यू कहां जाएगी, डेस्टिनेशन बता रहे, बंबई जाएगी, कलकत्ता जाएगी, मद्रास जाएगी, और एक्सप्रेशन में जो भी नाम आएंगे वो एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू यूज करके कैलकुलेशन करना है, ये हिदायत। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बहुत जरूरी है समझ। सो एम प्लस वन इक्वल टू एम और एम प्लस वन इक्वल टू एक्स, जैसा आप पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, वो ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते कि इसका डम्बो को कोई मतलब ही नहीं समझ में आता, उसको लेफ्ट हैंड साइड में एक आदमी चाहिए, एक ड्रॉवर चाहिए जहां पर कोई वैल्यू रखना है बाद में, और राइट हैंड साइड में आप कितना भी एक्सप्रेशन लिखो तो वो लेफ्ट हैंड साइड पहले देखता ही नहीं है, राइट हैंड साइड ही खाली देखेगा, राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देखेगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है वहां पे वैल्यू डाल दे। ठीक है, क्लियर, राइट। सो ये सी प्लस प्लस स्टेटमेंट जो है असाइनमेंट इनपुट आउटपुट, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट जैसे आपने पूछा अभी समझ गए आप क्या करना है, तो राइट हैंड साइड को देखेंगे ए प्लस बी, जो भी है कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू को सम में डाल देंगे। उसी तरह ये देखें एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एक्स माइनस वन,
So this is not a formula area equal to this. This is assignment statement. कि पहले आप देखो इस एरिया को, ये कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आ गई 7.5 किसका क्यों वन हो जाएगा भाई, तो इसका वैल्यू वन हो गया, तो इस असाइनमेंट स्टेटमेंट से कोई निकला नहीं, मैं उसको एरिया इक्वल टू वन भी लिख सकता था, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखता हूं तो मुझे 10 बार चेक करना चाहिए कि एक्सप्रेशन कोई मतलब है कि नहीं, और खास तौर पे जब इटरेशन के अंदर में एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो हर बार उस एक्सप्रेशन की कोई दूसरी वैल्यू आनी चाहिए, तभी मतलब है इटरेशन का, नहीं तो इटरेशन का कोई मतलब नहीं। तो आप जैसे प्रोग्राम में अपन देखेंगे तो प्रोग्राम में वो सही हो जाए। इसका मतलब तो आप समझ गए क्या है, एम प्लस एक्स बाय 2.5, जो भी एम की वैल्यू है लो, ये कैलकुलेट करो, ऐड करो, इसके आगे फिर इसी स्टेटमेंट को एक बार और बाद में एग्जीक्यूट किया तो नई वैल्यू एम के साथ एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एम की वैल्यू चेंज होगी। It is not LHS and RHS. That's the whole point being made. The point that he was making, don't look at it as LHS and RHS, because this is not an equation. This is not an equation. This is called an assignment statement. It's an instruction. कुछ भाषाएं होती हैं, उनमें ये confusion हटाने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। यहां तो इक्वल टू सिंपल नहीं है, अब इसका मतलब आप समझ गए क्या है, इसका मतलब यह है कि ए और बी को ऐड करो, जो भी वैल्यू आए उसको एरो के डायरेक्शन में जो वेरिएबल का नाम है उसमें डाल दो। इस तरीके से हिदायत समझने में आसानी होती है, क्योंकि एरो को इक्वालिटी के साथ हम कंफ्यूज नहीं करते, एरो डायरेक्शन है। अब आपको यह समझना है कि जब आप प्रोग्राम में लिखते हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इस इक्वल टू को इक्वालिटी ना समझे, इस इक्वल टू को आप एरो ही समझे, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वालिटी सिंबल नहीं है। जैसे बाद में हमने देखा, अगर हमें कोई वैल्यूज की कंपैरिजन करनी है, एक्स और वाई इक्वल है कि नहीं, उसको हम कैसे लिखते हैं, इफ एक्स इक्वल वाई लिखते हैं क्या, नहीं, इक्वल इक्वल वाई, तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो इक्वल इक्वल लेस देन ये अलग है। तो ये अब दुर्दैव से जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं जब निर्माण की गई थी तो किसी ने इक्वल टू लिख दिया शुरू में, अब वो बन गई बात, तो आज तक उस असाइनमेंट को इक्वल टू ही लिखते हैं। अब आप जब पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं उसके पहले आपने अलजेब्रा अरिथमेटिक पढ़ा चुका रहता है, और आपके अलजेब्रा में हमेशा क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS, तो ये अपने सबके दिमाग में बात घुस गई है कि इक्वल टू सिंबल आ गया, यानी बाईं तरफ दाहिनी तरफ इक्वल होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के संदर्भ में ये बिल्कुल गलत नोशन है, ये इक्वल टू है ही नहीं, और इसलिए कभी भी इसको आप LHS RHS समझे ही नहीं, आप इसको इस तरीके से देखें हमेशा, RHS है, RHS में एक्सप्रेशन है, LHS है, LHS में एक वेरिएबल का नाम है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, इस यही वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन में आ भी गया तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे, तो ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। और इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS अगर आप मानते तो भूल जाइए कि LHS है, ऐसा याद कीजिए खाली एक एक्सप्रेशन लिखा, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेगा डम्बो, जो भी उस समय वेरिएबल की वैल्यूज है उनको लेके, वो वैल्यू करने के बाद में इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह वो वैल्यू लिख देगा 7.3 12.8 व्हाटएवर। अब इसके बाद वो लेफ्ट हैंड साइड देखेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या वेरिएबल है, सम है, एक्स है, वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड खाली ये बताती है कि जो कैलकुलेट किए वैल्यू किस दराज में रखनी है उसने, कौन से दराज में रखनी, बस। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को, ये जो लिखा है सम इक्वल टू ए प्लस बी, इस स्टेटमेंट को हमेशा असाइनमेंट स्टेटमेंट के नाम से ही याद रखें, इक्वेशन के नाम से नहीं, ठीक है, वो इक्वेशन दिमाग में होने के कारण चक्कर होता है, अदरवाइज वो क्लियर। इसलिए यहां लिखा, देखिए मैंने m इज इक्वल टू m प्लस x बाय 2.5,
दिस लास्ट वन इज टू बी सीन एज रीअसाइनमेंट, यानी एम की पहले कोई वैल्यू असाइन हुई होगी रीड करके या कैलकुलेट करके, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूं, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये मेरे कायदे के मुताबिक एम तो मैं देखूंगा ही नहीं, राइट हैंड साइड देखूंगा, एम की जो वैल्यू दलाल में मिलेगी उसको लेके मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन करने के बाद में राइट हैंड साइड गायब हो गई, अब राइट हैंड साइड है ही नहीं, राइट हैंड साइड में एक वैल्यू आ गई कोई तो भी, अब उस वैल्यू को लेके मैंने उसने वेरिएबल ड्रावर में रखना है, बाकी कुछ नहीं, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट रीअसाइनमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी मस्ट रिमेंबर दैट इट्स एन असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड नॉट एन इक्वेशन। अभी ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन लिखने की जगह सी प्लस प्लस में काउंट प्लस इक्वल टू वन लिखा जा सकता है, काउंट इक्वल प्लस वन लिखा जा सकता है, काउंट प्लस प्लस लिखा जा सकता है, ये तीन चार पांच अलग अलग तरीके हैं, ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, तो बड़ा नाम लगे जैसे अब्रीवेशन कर देते हैं अपन कई बार, वैसे उस तरह से अब्रीवेशन मतलब उसका यही है। इनपुट और आउटपुट, ये भी आप समझ गए क्या है इनपुट और आउटपुट, ये बेसिक तीन चीजें हैं को डम्बो कर सकता है, कैलकुलेशन करके असाइन कर सकता है वैल्यू, असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है, इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, उसके आगे जो भी है वो कॉम्प्लिकेशंस कंडीशनल एग्जीक्यूशन इसमें आते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि डम्बो जो है एक के बाद एग्जीक्यूट कर सकता है स्टेटमेंट, अगर हम चाहते हैं कि वो कोई कंडीशन चेक करे और या तो ये करे या तो वो करे, तो हमें इस तरह की हिदायत देनी पड़ती है उसको कि इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट ग्रुप वन एल स्टेटमेंट ग्रुप टू, तो यहां पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा जा सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पैसेंजर की एज के ऊपर डिपेंड है कि उसका टिकट के वैल्यू क्या होगी, तो ये मैंने एक प्रॉब्लम एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया कि 25.5 रुपये बड़े का किराया लगता है और छोटे बच्चे का किराया 12.75 रुपये लगता है, अगर उसकी उम्र 12 से कम हो तो हमें, अगर उसकी उम्र दे दी गई है इनपुट करके तो हमें किराया निकालना है कंप्यूटर से ताकि कंडक्टर टिकट दे सके, तो हम पहले एज पढ़ लेते हैं, एज पढ़ने के बाद में पहले ये लिखें या ये लिखें, जो भी पहले लिखे वो वैल्यू हो जाएगी, तो ये गलत है, तो ये इसका उपयोग मैंने किया था कि समझाने के लिए कि इफ स्टेटमेंट की जरूरत क्या है, अगर इफ स्टेटमेंट नहीं हो तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये भी नहीं ठीक है, तो इसके लिए हमने ऐसा दिखा था कि भाई देख लो एज जो है 12 से बड़ी है तो टिकट की वैल्यू 25.50 कर दो, अगर 12 से छोटी है तो 12.75 कर दो, और जो भी आपने कैलकुलेट करी या तो आप ये करेंगे या तो ये करेंगे, सो सबसे बड़ा इफ स्टेटमेंट का मतलब है कि आप भले दो कंडीशन दो असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखे आपने एक के बाद एक, लेकिन दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, और वो कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा, तो उसके बाद में कैलकुलेशन सही हो जाएगा। अब हमने कहा कि नहीं भाई ये तो सिंपल कंडीशन हुई कि यस और नो वाली, लेकिन मान लीजिए एज के तीन ग्रुप बना दिए, एक तो 12 साल से छोटा 12 साल से बड़ा, लेकिन 65 साल से बड़ा या 60 साल से बड़ा उसको और अलग से टिकट दिया, तो अगर मान लिया ऐसा रूल किया कि एल्डर्स को 20 रुपया टिकट ना साहब ना 12.75 रुपये ना 25.50 रुपये, तो उसके लिए हमने फिर कंडीशन लिखी कि एज पढ़ लो, एज पढ़ने के बाद उसको चेक करो, 60 से ज्यादा है तो टिकट की वैल्यू 20 असाइन कर दो, 12 से ज्यादा है तो 25 कर दो, अगर 12 से भी कम है तो 12.75। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं इसका ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट, आप इस ऑर्डर को चेंज करके देखिए और जरूर उसको एग्जीक्यूट कीजिए अपने कागज पे, अलग अलग ऑर्डर में लिखिए, क्योंकि स्टेटमेंट दिखता तो ऐसे ही है कि भाई 60 से ज्यादा उम्र है या 12 से ज्यादा उम्र है या कितनी है, लेकिन आप देखेंगे कि कई बार अगर कंडीशंस आपने ठीक नहीं रखी तो दो दो तीन तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक के बाद। जैसे मान लीजिए मैंने ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा, ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ख्याल में रखने वाली चीज है, ये इस स्टेटमेंट को मैं मान लिया मैंने ऐसा प्रोग्राम लिखा तो चलेगा, इफ एज ग्रेटर देन 12 टिकट इज इक्वल टू 25.5, If age greater than 60, ticket is equal to 12.0. If age less than 12, ticket is equal to 12.75. क्या कैलकुलेशन ठीक करेगा? मैंने एज स्टेटमेंट का यूज ही नहीं किया है। देखिए क्या करता है, कोई भी एक एज लीजिए 14 साल का, तो एज ग्रेटर देन 12 है तो उसका टिकट हो जाएगा 25 रुपये, लेकिन ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, एल्स मैंने नहीं लिखा, ये यहाँ कंडीशन क्या चेक करेगा, एज 60 से ज्यादा है नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एज 12 से कम है नहीं है ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मेरी वैल्यू तो सही निकल आई, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा हमेशा?
हाँ, अगर 65 एज है तो देखें क्या करेगा, क्या एज ग्रेटर देन 12 है, है 65 ग्रेटर देन 12 है तो टिकट की वैल्यू हो जाएगी 25.5, लेकिन इसके बाद ये बाहर नहीं निकलेगा, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो उसके बाद अगला स्टेटमेंट चेक करेगा। यहाँ क्या लिखा है, इज एज ग्रेटर देन 60 है, 65 है, तो ये टिकट की वैल्यू रिकैलकुलेट हो जाएगी, टिकट इक्वल टू 20। तो और यहां पे फिर आएगा इज एज लेस देन 12 नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो, तो वैल्यू तो सही आ गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम भी सही चलेगा। इसको चेक करना भी बिल्कुल सिंपल है, तीन कंडीशंस हैं, तो एक कोई बच्चे का ले लीजिए, एक कोई बड़ा ले लीजिए, एक बूढ़ा ले लीजिए, और एज रख के देख लीजिए कि बराबर आती है कि नहीं आती। अगर इस तरह से आपने स्टेटमेंट लिखे एज के बगैर भी, तो भी वैल्यू सही आएगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वैल्यू कहां गलत आई। अगर मान लीजिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, ये स्टेटमेंट पहले लिख दिया, अब मान लीजिए उसकी एज जो है 65 है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इज एज ग्रेटर देन 60, यस उसकी वैल्यू हो गई 20, 65 है, लेकिन उसके बाद में इस शिफ्ट पे आएगा वो, यहां पे इज एज ग्रेटर देन 12, यस 65 इज ग्रेटर देन 12, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 25। तो वो तो बूढ़ा मर गया, जबरदस्ती 5 रुपए ज्यादा ठुक गया उसको, क्योंकि आपने कंडीशन ठीक ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं कर। तो ये कंडीशंस जो काफी सारी कंडीशन होती हैं, तो एक दूसरे के नीचे आप किस तरह से लिखते हैं, एल्स कैसे यूज करते हैं, एल्स इफ कैसे यूज करते हैं, या अगर नहीं यूज किया तो सीक्वेंस आप किस तरह से करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह कभी भी आप कंडीशंस लिखें, और आगे आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, कंडीशन के अंदर कंडीशन होगी, उसके अंदर इटरेशन होगा, उसके अंदर कंडीशन होगी, हर बार आपको ख्याल रखना चाहिए कंडीशन किस तरह से लिखी जा रही है, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है। और इसके लिए अलग अलग कंडीशन ऐसे लिखने के बजाय एल्स या एल्स इफ यूज करना सबसे अच्छा रहता है, मतलब उस एक्सक्लूसिव बना दें आप, ये अगर है तो इतना करके बाहर चले जाओ, अगर ये नहीं तो क्या ये है, फिर ये करके बाहर चले, ये कभी भी उसको एक से ज्यादा काम करने की सहूलियत देना ही नहीं। यहां पर अगर हमने तीन स्टेटमेंट लिखे तो हो सकता है तीनों एक के बाद एक, आप इसको इसको और ऊपर लिख के देखिए, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिखने से रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा आप कंडीशन किस तरह से लिखते हैं। ये रिपीटेटिव एक्शन हमने फिर से एक बार देखा था कि फैक्टोरियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो n फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय i। यहाँ पे भी मैं आपको याद दिलाऊं कि ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। n फैक्टोरियल की शुरू की वैल्यू हमने दी है यहाँ 1, ये अगर हम नहीं रखते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि जो भी वैल्यू दराज में मिलती डम्बो ले लेता, अगर 10,000 10 लाख -5 जो भी वैल्यू है वो लेके चलता आगे। और हाँ, वो कुछ नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, वो कंप्यूटर जो एक्चुअल कंप्यूटर देखेंगे उसकी मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं अपन, बाइसेबल मल्टीवार फ्लिप फ्लॉप या रैंडम एक्सेस मेमोरी जो बोलते हैं, जो मेमोरी का एक एलिमेंट होता है एक बिट, उस बिट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई वैल्यू नहीं हो, या तो वो 0 होगी या 1 होगी, वो होगी ही होगी। आप ये समझिए मेमोरी की जो अंडरनल इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन है, एक स्विच की तरह, स्विच देखा आपने लैंप का, अब आप अपने रूम में जाए या तो बत्ती चालू है या बंद है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है, वो कभी कभी स्विच खराब हो जाए तो बीच में लटक जाता है, लेकिन फिर भी बत्ती या तो चालू होगी या बंद होगी, तीसरी स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई लोकेशन है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपने नहीं रखी होगी, जो भी पहले वैल्यू होगी कि किसी पुराने प्रोग्राम ने लिखी होगी, अगर एक भी प्रोग्राम नहीं लिखा गया, आपने नया नया कंप्यूटर लाया तो उस समय नए नए कंप्यूटर में जो भी स्टेट होगा उस स्विच का वो होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए कि कभी भी किसी भी दराज में कोई वैल्यू यूज ही नहीं करना चाहिए जब तक हमने उसमें ना रखी, या तो हम इनपुट करके लेके रख दें या कैलकुलेट करके लेके रख, अगर हमने न असाइनमेंट नहीं किया है और इनपुट भी नहीं किया है तो हमें कोई हक नहीं बनता वो दराज खोल के देखने, हम बाद में चिल्ला नहीं सकते कि अरे हमने तो नहीं दिया था तुमने क्यों वैल्यू, क्योंकि डम्बो बिल्कुल डम्बो है बुद्धू राम, उसने आपके बोला एम नाम के दराज में जो वैल्यू निकाला तो देखेगा, वो दराज में आपने नहीं वैल्यू रखी, आपकी गलती। सो
always remember, this is called initialization. You must initialize every variable that you use as a thumb rule. Ordinarily, better programming languages provide some facilities. For example, there are some programming paradigms where all numerical variables are initialized to 0 and all character string variables which we shall study next week are initialized to blanks. But that is not default. Or C++ dumbo to bilkul buddhu ram. Wo kuch bhi apne matlab jo bhi darash khol ke dekhta blindly us value ko use kar le. To ye hamari zimmedari hai ki hum aisa kabhi na kare. Koi darash jo hum use kar rahe hain isliye hum declare karte hain ye integer hai ye floating point hai ye hai. Ab jo bhi declare kiya hai uske upar usme value rakhne ki jawabdari hamari dumbo ki nahi. Itna yaad rakhe. हाँ तो वो बाहर जो था उसकी जरूरत नहीं है, अंदर जो है वो होना चाहिए. असल में कोई भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ये सब हिदायतें हैं कंप्यूटर को, हर हिदायत के बाद सेमीकोलन होना चाहिए. यहाँ पे एक और गलती है, यहाँ पे कॉमा है, ये गलत. कैन समबडी टेक नोट्स? आई थिंक वी शुड गो थ्रू दिस वेरी केयरफुली बिकॉज दीज आर द डाउट्स विच दे आर करेक्टली पॉइंटिंग आउट. आई एम ग्लैड यू आर ब्रिंगिंग दिस आउट. ये जो गलतियां हैं ना इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर. जैसे आप अंग्रेजी लिखेंगे तो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं वो सिंटैक्स एरर. आप हिंदी भी लिखेंगे तो गलती हो सकती है, काला मात्रा देर गई छोटी, ऐसा कर सकते हैं. तो उस तरह से जब मैं लिख रहा हूँ तो उस तरह की गलतियाँ हो रही, और आपने जो पकड़ा है बराबर है, वो ये गलत है. लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखें कोई सा भी या कोई भी किताब देखें, उसमें सब हिज्जे पुर्जों के नियम बिल्कुल बाकायदा लिखे हुए. सेमीकोलन कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, कॉमा कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ सेमीकोलन ज्यादा हुआ तो चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, उन नियमों का पालन करना चाहिए. वो आपका कहना बिल्कुल सही है, जब स्लाइड मैंने बनाई तो उन नियमों का मैंने पालन नहीं किया, आपने पकड़ लिया. आप नहीं पकड़ते तो कंप्यूटर पकड़ लेता. अब कई बार कंप्यूटर पकड़ के मुझे बता देगा कि ये गलत है, जैसे आप कंपाइल करते प्रोग्राम में कहीं एरर आ जाती है. लेकिन कई बार अगर मैंने जो गलती करी वो किसी और संदर्भ में सही लगे उसको, तो उसका गलत मतलब निकाल के कंप्यूटर मेरा प्रोग्राम लेके कुछ और गलत भी कर सकता. इसलिए ये जो कह रहे हैं बहुत जरूरी है ख्याल रखना, कहाँ सेमीकोलन देना चाहिए कहाँ नहीं देना. थंब रूल ये है, कोई भी आप स्टेटमेंट लिखें, असाइनमेंट एक स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है, उसके बाद में सेमीकोलन होना चाहिए. सो यू आर वेरी राइट, दिस इज इनकरेक्ट. आई शुड ऑलवेज पुट ए सेमीकोलन हियर, वी जाए पुट हियर. पहले नहीं लिखा था वो गलत था. इसके आगे मैंने सेमीकोलन दिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर दे भी दो तो उसको बुरा नहीं लगता, वो उसको नल स्टेटमेंट मान लेता है कि ब्रास ब्रास में तो एक स्टेटमेंट हो गया, तो आगे वो नया स्टेटमेंट ढूंढ रहा है. असल में इस छोटी सी जगह में वो सोच रहा है कि कई और असाइनमेंट कुछ और होगा, यहाँ वो मिला नहीं, हमने सेमीकोलन दे दिया. तो बुद्धू राम समझ लेता है कि ये हड़बड़ी में सेमीकोलन ज्यादा आ गया, उसको भूल जाता है, उतना माफ कर देता है. सो दैट वी कॉल ए नल स्टेटमेंट, यानी कोई स्टेटमेंट है ही नहीं. ये कंप्लीट प्रोग्राम मैंने लिख के बताया था आपको, फैक्टोरियल एंड, आप स्लाइड देख सकते हैं इसके ऊपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में. ठीक, ये हेमचंद्र प्रॉब्लम फिबोनाची सीरीज का, ये असल में मैंने हेमचंद्र प्रॉब्लम, मुझे प्रोफेसर रानेड़े साहब ने जो बनाए थे स्लाइड बहुत पसंद आए, क्योंकि दो बड़ी महत्व की चीजें उन्होंने कही कि ये जो फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज तो आप जानते हैं, नहीं पढ़ा है फिबोनाची सीरीज पहले कभी? ये पहली बार देखा था. ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है एच एन इज इक्वल टू एच एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस टू, इस टाइप की सीरीज कभी नहीं देखी थी. इस सीरीज को फिबोनाची नंबर बोलते हैं. तो ये कैलकुलेट होता है, एच वन हमें पहले मालूम होना चाहिए, एच टू हमें पहले मालूम होना चाहिए इटरेशन शुरू करने के लिए, क्योंकि एच थ्री के आगे ही हम कैलकुलेट करते हैं. एच थ्री इज इक्वल टू एच टू प्लस एच वन, एच फोर इज इक्वल टू एच थ्री प्लस एच टू, एच फाइव इज इक्वल टू एच फोर प्लस एच थ्री. ये फॉर्मूला है फिबोनाची सीरीज. जो भी सीरीज में एक नंबर है वो पिछले दो टर्म के जोड़ से मिलता है. तो पहली दो टर्म मालूम हो तो मैं तीसरी टर्म कैलकुलेट कर सकता हूँ. ये एक बार पता चल गई तो ये पिछले वाली लेके मैं अगली कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो मेरा इटरेशन जो मैं सेटअप करूंगा उसके लिए जरूरी है कि पहली दो टर्म मुझे मालूम हो, एब्सोल्यूट टर्म एच वन और एच टू मुझे मालूम होना चाहिए, तभी मैं एच थ्री कैलकुलेट कर सकता हूँ. एक बार एच थ्री आ गया है तो एच टू मालूम है तो एच फोर कर सकता हूँ, तो मैं इटरेशन सेटअप कर सकता हूँ. ये जो फिबोनाची सीरीज है इसके कैलकुलेशन के लिए इस तरीके का प्रोग्राम.
तो पहली दो टर्म चाहिए मुझे, इसलिए एक टर्म का नाम दे दिया मैंने एच प्रेव यानी प्रीवियस टर्म, एक टर्म का नाम दे दिया एच करंट यानी आज की टर्म। तो एक पहली पुरानी टर्म, एक आज की टर्म, पहली पुरानी टर्म है एक, आज की टर्म है दो, ये दो टर्म लेके मैं जा रहा हूं। अब मुझे इसके आगे टर्म में इटरेटिवली कैलकुलेट करना, तो तीसरी टर्म कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ के। तो ये फॉर्मूला है, एच नेक्स्ट इज इक्वल टू एच प्रीव प्लस एच करंट। तो प्रीवियस और करंट जो टर्म है इन दोनों को मिला के नेक्स्ट टर्म आ गई। तो पहली टर्म एक थी, दूसरी दो थी, यहां पे मुझे तीन आ गई टर्म। अब ये इटरेटिवली मैं जब नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करूंगा और इनकी वैल्यूज अगर ये ही रही तो एच नेक्स्ट जो है तीन 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 यही आता रहेगा जिंदगी भर। तो नेक्स्ट इटरेशन में जाने के पहले अब मेरी सीरीज आगे बढ़ गई है, शुरू में मेरे पास खाली दो टर्म थे, अब तीसरी टर्म आ गई है, तो मेरी जो विंडो है वो फर्स्ट और सेकंड टर्म की बजाय मुझे सेकंड और थर्ड टर्म पे रखना है। तो इसलिए मैं यहां असाइन कर रहा हूं कि एच करंट जो है, ये जो दो वैल्यू है ये प्रीवियस में चली जाए, और एच नेक्स्ट जो मैंने कैलकुलेट करी है वो एच करंट में चली जाए। तो ये वैल्यू यहां से चली गई यहां, तो ये हो गया दो, ये हो गया तीन। अब मैं नेक्स्ट इटरेशन में आऊंगा तो तीन प्लस दो कैलकुलेट होगा, एक प्लस दो नहीं, दो प्लस तीन कैलकुलेट होगा, तो पांच हो जाएगी। उसके बाद आऊंगा तो पांच प्लस तीन कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से हर इटरेशन में नई नई वैल्यू लेके मेरी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। दिस इज द क्रक्स ऑफ सेटिंग अप एन इटरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो हाँ, नहीं एच नेक्स्ट तो कैलकुलेट करने वाला हूं अगले इटरेशन में, एच नेक्स्ट तो नेक्स्ट इटरेशन में कैलकुलेट करने वाला हूं मैं। ये पहले इटरेशन में आई इक्वल टू थ्री में कैलकुलेट किया मैंने। सो इटरेशन आर नाउ अंडरस्टूड। हियर इज सम एक्सप्लेनेशन प्रोफेसर रानडे हैज गिवन, आई होप दिस एक्सप्लेनेशन मेक सेंस। जो अभी हमने देखा वही वो अपने अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि भाई एच करंट इज एच माइनस वन, तो एच प्रीवियस इज एच माइनस टू, तो उसके बाद आई की जो वैल्यू है वो कहाँ पे हम रखें। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से उन्होंने प्रूव किया है, इस प्रूफ के हमें इस कोर्स के लिए जरूरत नहीं है, बट दिस जस्ट टू किंडल यूर इंटरेस्ट इन मैथ्स। आफ्टर ऑल मैथ्स इज द फंडामेंटल ना, सभी साइंस और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर करते हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको सही में समझ में आ जानी चाहिए। तो ये प्रूफ बाय इंडक्शन है, प्रोग्रामिंग की दृष्टि से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए जरूरी है कि इस तरह से ये फॉर्मूला आता है, और इनको फिबोनाची नंबर बोलते हैं। ये फिबोनाची वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस, एंड दिस सीरीज इज अ फिनोमिनल सीरीज बाय द वे। सो व्हाट हैपेंस, द नंबर्स डोंट कॉन्वर्ज, ये तो पिछले दो टर्म्स की सम करके थर्ड टर्म आने वाली है, तो नंबर कम तो कभी होने वाले नहीं, ये इन्फिनेटली बढ़ते जाएंगे, लेकिन दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का अगर आप रेशो लेते हैं वो रेशो कॉन्वर्ज हो जाता है, वो रेशो एक नंबर की तरफ जाता है, और उस रेशो को बोलते हैं गोल्डन रेशो। ये फिबोनाची सीरीज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि रेशो अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का लें आप, फिबोनाची सीरीज का nth टर्म डिवाइडेड बाय n प्लस वन और n माइनस वन टर्म, दैट रेशो मूव्स टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, एंड दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड गोल्डन रेशो। तो इसका उपयोग असल में करते हैं, जो अपने घर देखे, घरों की जो खिड़कियां होती है ना, तो खिड़की का जो हाइट और विड्थ का जो रेशो होता है ना, द आइडियल रेशो इज सपोज टू बी दैट गोल्डन रेशो। इट इज वेरी प्लीजेंट टू द माइंड, प्लीजेंट टू द आईज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गोल्डन रेशो। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। अब अपन मैथ्स का कोर्स नहीं कर रहे हैं इसलिए उसके ऊपर चर्चा और नहीं करेंगे, लेकिन किसी को इंटरेस्ट हो तो फिबोनाची सीरीज पे आगे पढ़े, बहुत मजेदार सीरीज है। चलो, अब ये दूसरा मैंने न्यूटन राफ्सन मेथड बोला था, ये कंप्यूटेशनल मेथड है। न्यूटन राफ्सन मेथड आपने किया था कभी, मैथ्स में है, तो वहां पे आप मैथमेटिकली देख रहे हैं, यहाँ न्यूमरिकल कैलकुलेशन कैसे किए जा सकते हैं इसको देखते हैं हम। तो एक इक्वेशन लेके उसको डेरिवेटिव निकाला हमने, और इसका पूरा इसका मकसद ये है कि अगर कोई एक्स आई वैल्यू मालूम है हमें, तो अगली वैल्यू कैसे निकाल। तो सिंपल टर्म्स में ये कर्व है, ये कर्व के ऊपर हम एक्स आई वैल्यू से जाके उसकी वैल्यू वाई निकालते हैं, और फिर उसका एक टेंजेंट निकालते हैं उस वैल्यू, जो टेंजेंट जो इसको जहां पे भी कट करेगा वो हमें रूट के ज्यादा पास ले जाएगा और जल्दी ले जाएगा। तो इसलिए हम इसको टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट एफ डैश एक्स। तो इस तरह से एक एक कोई तो भी पॉइंट ले लिया हमने शुरू में, वो मालूम है हमें,
वहां से हम चालू करते हैं और उसके बाद उस पॉइंट ए से हम एफ एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, तो एक पॉइंट बी आ जाता है हमारे पास, ये वाला, कि ये वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू है। अब इस फंक्शन की वैल्यू पे हम एक टेंजेंट निकालेंगे, तो जो फंक्शन है उसको हम मान लीजिए कि ऐसा फंक्शन नहीं है, टेंजेंट ही फंक्शन, स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं उस फंक्शन को, उस फंक्शन को कैलकुलेट करके ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये पॉइंट सी आ जाएगा यहाँ। तो देखिए हम एक ही स्टेप में ए से लेकर यहाँ तक जंप मार गए। हमारा हेतु ये है कि ये जो फंक्शन है इसका रूट मतलब क्या है कि जहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाती, तो हमें यहाँ पहुँचना है। यह मालूम नहीं कि कहाँ है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और जितने जल्दी पहुँचना है। तो जल्दी जल्दी जाने के लिए जो न्यूटन रैफसन मेथड है उसके डेरिवेटिव को यूज करती है। तो यहाँ से हम यहाँ चले गए, अब यहाँ पे जाएंगे तो टेंजेंट और इसके पास में आएगा, तो दूसरे ही स्टेप में हम यहाँ चले जाएंगे, तीसरे स्टेप में बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी हम उस रूट के पास जा सकते हैं, और ये इटरेटिवली करना है। अब चूंकि हम इटरेशन जानते हैं किस तरह से डम्बो को इटरेटिव काम करवाएं, तो अब ये तो बिल्कुल सही है कि ये पहले अगर एक पॉइंट मिल गया हमें एक्स आई, और हमें ये पता है कि एक्स आई प्लस वन कैसे कैलकुलेट करना है एक्स आई से, बस उसको इटरेशन में डाल देंगे। शुरू में आई इक्वल टू वन होगा, फिर टू होगा, थ्री होगा, बस यही हमें देखना है कि कैलकुलेशन जो भी है वो उस आई के टर्म्स में लिखे जाए, जो भी करंट वैल्यू ऑफ आई। और इटरेशन के शुरू में हम एक्स वन को कहीं सेट कर दें या एक्स जीरो, जो भी हम कहना चाहें, और उसके आगे अपने कैलकुलेट करते जाएं। तो इसलिए इस हिसाब से ये जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज के लिए हमने ये लिखा था कि भाई ये टेंजेंट जो है वो क्या है, एफ डैश एक्स आई है, एफ डैश एक्स आई इज जस्ट दिस अपॉन दिस विच इज इक्वल टू दिस, एंड देयरफॉर एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया, इटरेशन बनाने के लिए हमने एक एक्स आई अगर मालूम है तो एक्स आई प्लस वन किस तरह से कैलकुलेट किया जाए ये निकाल लिया, और यही रूल हमेशा रहेगा। अगले टाइम में ये एक्स आई हो जाएगा, अगला एक्स आई प्लस वन कैलकुलेट होगा, और इस तरह से हम पास पास जाते जाएंगे। तो ये इंटीग्रल प्रॉब्लम जो है या फंक्शन इवैल्यूएशन प्रॉब्लम जो है, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम, इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कोई एक वैल्यू नंबर लेके चल दिए हम और न्यूमेरिकली हमें यह रूट निकालना है, तो धीरे धीरे उसके पास चले जाएंगे। और इसका जो प्रोग्राम था वो ये था, तो स्क्वायर रूट निकालना है मान लीजिए, तो फंक्शन जो है एक्स आई प्लस वन इज दिस, क्योंकि उसमें एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस के, एफ डैश एक्स इज टू एक्स, उसका डेरिवेट। तो ये न्यूटन रैफसन फॉर्मूला का फंडामेंटल है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर, और इसको शुरू में कर देते कि भाई एक्स नॉट इज वन है, तो वन है तो वन से चालू करेंगे, फिर एक्स वन कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्स टू कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्स थ्री कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे करते करते हम करीब करीब आ जाएंगे उस रूट के, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने कोड लिखा था कि 10 बार इटरेशन करो। अब इस बार हम उसको एक्यूरेसी वगैरह हम नहीं देख रहे, हम ये कह रहे कि हमारा अंदाज ये है कि आप अगर टेंजेंट के थ्रू आगे आगे बढ़ते जाओगे तो बड़ी जल्दी रूट के पास पहुंच जाओ, तो 10 इटरेशन काफी होना चाहिए, अंदाज है हमारा। अगर नहीं हुए तो 20 करेंगे, 50 करेंगे, जो भी है। तो ये 10 इटरेशन के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि आई इक्वल टू जीरो अप टू 10 इन स्टेप्स ऑफ वन, ये कैलकुलेट करो, पुरानी वैल्यू जो एक्स आई के उसे लो, एक्स आई प्लस के अपॉन एक्स आई बाय टू, ये बनता है वैल्यू नया, ये वैल्यू एक्स आई का कर लो, और ऐसे करते जाओ। और 10 इटरेशन के बाद में जो भी एक्स आई की वैल्यू होगी हम मान लेते हैं कि वो बिल्कुल उसके पास में होगी रूट के, इसलिए वो छाप दो। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हो गया, हालांकि इसमें हमें गारंटी नहीं है कि रूट मिला कि नहीं। अगर गारंटी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो भी एक्स आई की वैल्यू यहां पे आई उसको यूज करके एफ एक्स आई कैलकुलेट कर लेना चाहिए, भाई सच में जीरो है, जीरो के करीब है। तो मान लीजिए कुछ हमारे इटरेशन में गड़बड़ हुई, अब जैसे ये पुराना आप देखें ये डायग्राम, अब ये तो वेल बिहेव्ड कर्व है, कर्व तो कैसे भी हो सकता है, और हम इस तरह से करते करते मान लो यहां पहुंच गए या यहां पहुंच गए, तो पता नहीं कहां पहुंचेंगे हम, 10 इटरेशन ब्लाइंडली कर रहे हैं, तो वैल्यू गलत भी हो सकती है। इसलिए इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रोग्राम्स में हमेशा क्रॉस चेक कर लेना अच्छा रहता है कि जो भी वैल्यू हम छाप रहे हैं उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है कि नहीं। असल में जो करेक्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें ये इटरेशन फिक्स नहीं होंगे, उसमें हम कहेंगे कि तब तक इटरेशन करते जाओ जब तक जो रूट है वो फंक्शन ऑफ एक्स है वो जीरो के इतने करीब नहीं पहुंच गया कि हमें पूरा पड़ेगा। तो उसको हम आगे और देखेंगे। इसमें देखिए कैसे किया है, इसमें शुरू किया है इनिशियल गेस से, अब यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस के
greater than 0.001 और k माइनस एक्स्ट्रा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.001. क्या मतलब हुआ इसका? मॉड ऑफ द डिफरेंस, इसमें जो रूट है वो ये है. और जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था वो एक पॉइंट डिफाइन करता है यहां, एक पॉइंट डिफाइन करता है यहां, और बोलता है कि इनमें जो अंतर है 0.01 से ज्यादा नहीं होना, 0.01. तो इसका एक तरीके के ये संदर्भ सही हो गया कि भाई हमें वहां तक पहुंचना है जब तक एरर जो है बिल्कुल कम हो. अब इस एरर को हम वापिस जाते हैं स्लाइड 29 में, इस एरर को हम 0.001 लिखने की बजाय 0.0001 भी लिख सकते थे, 0.0002 भी लिख सकते थे, ज्यादा एरर का मार्जिन कम कर सकते थे. तो ये प्रोग्राम जो लिखा है कि जब तक एरर जो है एटमोस्ट 0.001 हो तब तक करते जाओ. अब मुझे ये नहीं मतलब कि 10 बार करना है, 15 बार करना है, 3 बार करना, जितनी बार भी आप मिस्टर डम्बो हो करते जाओ जब तक ये एरर कम नहीं हो जाते. तो ये जो प्रोग्राम है वो ये, व्हाइल दिस एक्सा इज इक्वल टू दिस, दैट्स ऑल. तो ये जो इटरेशन है ये अलग तरीके से सेटअप हुआ. ये इटरेशन में फॉर का यूज नहीं किया गया, इसमें कोई इंक्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. वो मैं खाली शुरू में मैंने कैलकुलेट कर दिया, एक्सा को 1 बोल दिया. अब मैं आपको बोलता हूं के वैल्यू मैंने पढ़ ली है. शुरू में मैं कंडीशन चेक कर सकता हूं एक्सा स्क्वायर इज 1 ओनली, सो 1 माइनस के क्या इससे बड़ा है, या के माइनस 1 इससे बड़ा है, यानी मॉड मॉड 1 माइनस के अगर इससे बड़ा है तो भैया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आप कैलकुलेट करो. अब वो कैलकुलेट क्या करेगा, नई वैल्यू निकालेगा एक्सा की पुराने वैल्यू से, इसके बाद फिर जाएगा वो, अब फिर देखेगा कि एक्सा स्क्वायर और के का क्या रिलेशन. अब ये कितनी बार करे, एक बार करे, दो बार करे, पांच बार करे, हमें पता नहीं, हजार बार करो, एक मिलियन बार करो, इसीलिए तो डम्बो बनाया हमने. हम थक जाते हैं मिलियन बार करने में, वो नहीं थकता तो करता रहे, और जब भी करे ये पूरा हो जाए तो इसके बाद में यहां. अब इसमें प्रॉब्लम क्या संभव है, प्रॉब्लम ये संभव है, देखें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नहीं होगा वो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम किस तरीके से आ सकते हैं. मान लीजिए कोई ऐसा फटीचर फंक्शन हमारे पल्ले पड़ गया कि जो इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा एफ एक्स है. अब मान लीजिए यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे आता है उस डायगोनल से ये पॉइंट, और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे आता है फिर ये पॉइंट, यानी एक जगह ये पॉइंट मिला मुझे, फिर ये पॉइंट मिला, फिर इससे फिर ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट. अब इन दोनों में अंतर जो है वो 0.001 से ज्यादा है. डम्बो तो पूरी जिंदगी गुजार देगा यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से वहां, इस वैल्यू के अंदर आएगा ही नहीं. तो अपन जिस तरह से जो फंक्शंस जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण. इल बिहेव फंक्शन हुए तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में 12 बच सकते. इसके लिए एडिशनल कंडीशन लिखना चाहिए. क्या कंडीशन लिखना चाहिए, जैसे फर्ज कीजिए अभी हमें मालूम है कि अगर कॉन्वर्जिंग वैल्यू हुई हमारे, हम रूट के करीब करीब पहुंचेंगे हर बार इटरेशन करके, तो 5 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 10000 में तो कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए. तो क्यों हम एक और कंडीशन डालेंगे, एक तो ये एरर के बीच में आ गए तो रुक जाओ, नहीं तो 10000 इटरेशन के बाद में भी अगर आ गए तो भी रुक जाओ. लेकिन वो ये कहकर रुको, मुझे उत्तर मत देना, मुझे उस समय ये बताना कि मैं 10000 बार कर चुका हूं, अभी तक आपकी वैल्यू कॉन्वर्ज नहीं हो रही, तो हमें पता चले कि हम कहीं और देखें. क्या देखेंगे उस समय में आप, ये फंक्शन तो मैंने ड्रॉ कर दिया लेकिन ये फंक्शन नहीं है, कोई तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपने वैल्यू दे रखी है उस फंक्शन. तो हम ये देखेंगे कि अगर मेरे वैल्यू असर ऑसिलेट हो रही है तो मैं अल्टरनेट वैल्यूज देखते जाऊं, उनको प्रिंट करूंगा कि पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर नेक्स्ट इटरेशन में ये हुई, तब मुझे पता चले कि अरे ये तो झूला खेल रहा है, तो इसको ये ठीक नहीं है, इसको फिर को और तरीका निकालो. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आप करेंगे तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए. ये व्हाई स्टेटमेंट का मतलब है और उसका मैंने फ्लो चार्ट बना के बताया था आपको, व्हाइल समझ गए आप किस तरह से काम करते हैं. एक दूसरा होता है डू व्हाइल, जहां रिपीट अंटिल नीचे कंडीशन आती है, वो हम वेरिएशंस देखेंगे आगे. नहीं नहीं, इफ जो है वो बिल्कुल अलग है, इफ कंडीशनल एग्जिस्ट, व्हाइल और फॉर में. वो व्हाइल जो है, फॉर जो है, वो मुझे एक और वेरिएबल देता है जो हर इटरेशन के साथ बदलता जाता है. वो जैसे आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो मुझे कंट्रोल ज्यादा है. और जब भी मुझे इटरेशन में कोई एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत हो जो वेरिएबल में इवैल्यूएशन के एक्सप्रेशन में काम में लाऊं,
तो मुझे फॉर लूप यूज करना चाहिए। दूसरा, फॉर लूप जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशंस एग्जीक्यूट होता है, आई इक्वल टू 1 to n, यानी कंडीशन फाइनल जो रहती है उसकी, वो जनरली वो इटरेशन वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड रहती है। तो जब मुझे मालूम है कि मुझे 1000 इटरेशन करना है, 5000 करना है, 10000 करना है, 325 करना है, n करना है, तब ये फॉर लूप अच्छा है। तब मुझे मालूम ही नहीं है कि कितने इटरेशन करना है, मेरी कंडीशन जो है कोई एक एरर क्राइटेरिया के ऊपर निर्भर है, तो मुझे व्हाइल यूज करना चाहिए। तो मुझे व्हाइल के अंदर भी अगर मुझे नेक्स्ट आई की जरूरत पड़े तो आई मुझे आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उस व्हाइल लूप के अंदर। बट व्हाइल एंड फॉर कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड। एक इन्होंने सवाल पूछा, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण अपन ले सकते हैं। फॉर लूप अगर है तो उसको व्हाइल में कैसे लिखा जाए? इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ये मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखा है, ये बॉडी का मतलब है कि 10-15 जो भी स्टेटमेंट उसमें आ गए। अब मैं इसी चीज को व्हाइल में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखता हूं, देखिए आप कुछ मतलब समझ में आता है कि नहीं। मैं ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, देखिए चलता है कि नहीं। इसका तो मतलब आप समझ गए, ये फॉर वाले का, आई इक्वल टू 1 से शुरू करें और जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन करते रहे, और हर बार एग्जीक्यूट ये बॉडी करेंगे तो उसके बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दें, ये इसका मतलब। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 से शुरू करें, ये हमने एक्सप्लिसिटली लिखा स्टेटमेंट आई इक्वल टू 1, फिर लिखा व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। क्या 1 less than equal to n है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और वापस जाने से पहले i equal to i+1 कर देगा। यानी उसने यही किया कि जो मैं यहां फॉर स्टेटमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली कर रहा था, यहां मैंने खुद लिख दिया एक स्टेटमेंट, इसके बाद फिर वो यहां जाएगा। ये देखिए कि फिर से i equal to 1 नहीं कर रहा, वो यहां जा रहा। क्या i less than equal to n है? फिर से एक बार बॉडी एग्जीक्यूट करो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने हिदायतें लिखी हैं और ये इंस्ट्रक्शन, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क। तो मैं लिख सकता हूं फॉर की जगह व्हाइल भी लिख सकता, लेकिन मैं इसको व्हाइल में क्यों नहीं लिखता हूं, क्योंकि यह लिखना में ज्यादा सहूलियत है। एक ही जगह मैं इनिशियल वैल्यू भी दे सकता हूं, फाइनल चेकिंग कंडीशन भी दे सकता हूं, और इंक्रीमेंट क्या करना है वो भी दे सकता हूं, एक लाइन में लिख, तो यह लिखना सिंपलर। तो जब भी ऐसा मुझे गरज हो ऐसा करने की, कोई वेरिएबल चाहिए इटरेशन के लिए और उस वेरिएबल की वैल्यू हर इटरेशन में बढ़ती जाए, और कोई फाइनल वैल्यू के अगेंस्ट चेक करना हो, तो फॉर यूज करना सबसे बेहतर। लेकिन अगर मुझे खाली इटरेशन करना है जब तक कोई एक कंडीशन मीट हो जाती है नहीं हो जाती, जैसे एरर शुड बी लेस देन 0.00, तो फिर मुझे फॉर की जरूरत नहीं है। कभी कभी मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए पड़ता है, एक कंडीशन ऐसी भी है जनरल कंडीशन है और कुछ मुझे इटरेशन वेरिएबल भी चाहिए, तब मैं यूज डिसाइड कर सकता हूं कि मैं ये यूज करूं या ये यूज करूं। तो इसेंशियली दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सहूलियत जिस समय आपको जैसी लगे उसको यूज करें, खाली लिखना करेक्टली पड़ेगा, ये खाली आपको ख्याल। सो इट इज नॉट दिस और दैट, वट एवर इज कन्वीनियंट यू कैन यूज दैट। प्रोफेसर रानाडे स्लाइड गिव्स अस सम इंडिकेशन कि अगर ऐसा ऐसा हो तो फॉर यूज करना ठीक है, ऐसा ऐसा हो तो व्हाइल यूज करना ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल आप अपने चॉइस से कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए, क्योंकि डम्बो वही करोगे जो आप लिखेंगे, वो सही होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नो कन्फ्यूजन।